क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्या कह रहा है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ओ जो है एक मिड पॉइंट है साइड का, अपोजिट्स अपोजिट टू द राइट एंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो एंगल बी जो है 90 डिग्री के इक्वल है। अब इसने बोला कि जो इसके अपोजिट है वो किस अपोजिट जो है एक ओ है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ओ से भी, बी से भी और सी से भी। तो इन्हें ये बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वाई ये क्यों हैं ये दोनों इन सब के। एक तो हमें इसने बताया कि ये मिड पॉइंट है, ओके, मिड पॉइंट होने की वजह से ये इस वाले को और इस वाले को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा, राइट। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ओ ए, ओ सी और ओ बी ये इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, तो किस तरीके से हैं। हमें पता है कि हमने एक चीज़ ये ड्रॉ की है, ठीक है, तो एक ही हमने क्या बना दिया है, रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑल रेक्टेंगल्स हमने एक पढ़ा था, एक क्वेश्चन एक क्वोटेशन पढ़ा था कि ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल्स, ओके। तो हमें पैरेललोग्राम का पता है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ए डी पैरेलल है बी सी के, ओके, और ए बी पैरेलल है डी सी के। सो ये क्या बोला जाएगा, एक पैरेललोग्राम बोला जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये अगर पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम की आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद होगी, पैरेललोग्राम की जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या बोलते हैं कि जो मिड पॉइंट होता है जो ये बाइसेक्ट करता है वो क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि ओ ए, ओ सी, ओ बी और ओ डी ये सब इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ओ जो है इक्वी डिस्टेंस है ए से भी, बी से भी और सी से भी। सो ए ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट बिकॉज क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, बाइसेक्टर पॉइंट बन गया, इंटरसेक्टर पॉइंट बन गया, जो कि इक्वली डिवाइड कर रहा है ए सी को भी और डी बी को भी, ओके। आपका नेक्स्ट ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थैंक यू सो मच।